फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलाई टमाटर चिकन, जिसको बनाना जो कि बहुत इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये एक पंजाबी डिश है। इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने पहले आधा किलो चिकन ली हूँ, जिसको मैंने साफ़ करके क्लीन करके मैंने रख दी हूँ। अब उसको मसाले में, अब हमें इसके लिए मसाले में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए हूँ, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और ज़ीरा और तेज़पत्ता है। ये हमारे तेल में तड़के के लिए लगेगा। और ये जो ड्राई मसाला है, ये हल्दी है, लाल मिर्ची पाउडर है। हल्दी मैंने एक चम्मच ली हूँ, लाल मिर्ची पाउडर भी एक चम्मच ली हूँ, धनिया पाउडर 2 चम्मच है। और ये अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, ये मैंने 1 कटोरी ले ली हूँ। ये मैं आधा किलो क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा रही हूँ। आप अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो ये मसाले भी आप बढ़ा दीजिएगा, नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये मैंने प्याज ली हूँ, 2 प्याज को मैंने बारीक पीस ली हूँ। और ये दही है जो हमारे ये टमाटर चिकन में पड़े हुए हैं। और ये मैंने टमाटर ली हूँ, टमाटर को हमें इसमें ज़्यादा लेना है। ये मैंने 5 टमाटर ली हूँ, जिसका मैंने प्योरी बनाकर रख दी हूँ। और ये थोड़ा मुगलाई किस्म का बनाना है हमें, इसलिए मैंने ये मावा ली हूँ। मावा मैंने ज़्यादा नहीं, से थोड़ा ही से ली हूँ। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला हम इसको जब हमारा जब खाना बन जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं आपको उसको बनाने की रेसिपी बताती हूँ। देखिए गाइस, हमने कढ़ाई में तेल ले लिए है। अब मैं इसके अंदर जो हमने जो ड्राई मसाले जो लिए थे, यानी खड़े मसाले, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हम थोड़े मसाले को अच्छे से तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये टमाटर चिकन है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इजी रेसिपी है। इसमें कुछ ज़्यादा ही सामान नहीं पड़ता है, बस यही है। हाँ, अगर आप मावा अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, साथ साथ स्किप भी कर सकते हो। ये मैं मुगलाई टमाटर चिकन बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें मावा ऐड करी। इसमें काजू बादाम भी ऐड होता है, बट मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। हमारा तेल हो गया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर जो मैंने प्याज का ली थी तेल, प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा ही। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। और एक चीज़ आपको खास ट्रिक बता रही हूँ, यानी टिप्स बता रही हूँ, कभी भी खाने को अच्छा टेस्टी बनाना है, यानी खुशबू लाना है आपके खाने में, तो कभी भी थोड़ा सा नमक, जब भी आप प्याज भूनते हो थोड़ा सा चुटकी भर नमक उसमें ऐड कर दीजिए, उससे खाने में खुशबू अच्छी आती है। इसको हम थोड़ा लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ, आगे क्या करना। गाइस, हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट था वो, और जो हमने ड्राई मसाले लिए थे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और धनिया, वो भी हम अभी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करके जब तेल अच्छी तरीके से थोड़ा छोड़ देगा मसाला, तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, अभी नमक और कुछ भी नहीं डालना है। तो हम सिर्फ इसी तरीके से भूनते जाएंगे जब तक हमारा तेल ना छोड़ दे। देखिए गाइस, ये हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, यानी तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम जो है इसमें चिकन ऐड करेंगे। अभी चिकन ऐड करके जो हमारी जो टमाटर की जो प्योरी है वो हम अब डालेंगे इसमें। देखिए, ये जो हमारी टमाटर की जो प्योरी है वो भी हम अभी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये पूरा ही जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने नमक लिए हैं, नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको एक साथ ही बनाना रहता है, इसको बार बार यानी कुछ भी मिक्स करना नहीं रहता है। अभी जब हमने टमाटर की प्यूरी मिला दी है इसके अंदर, अभी इसी स्टेज पे हमें
यहाँ पर जो है दही भी ऐड करना रहेगा और उसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अपने ही रस पे अच्छे से पकते रहे। इसमें बस खाली मसाला पहले भूनना रहता है, बाकी जो है चिकन विकन उसी में ही पकता है। देखिए ये हमने ये हो गया, अब इसके अंदर हम जो हमारा ये जो दही था दही हम अभी ऐड करेंगे। इसमें दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए, जब तक हमारा ये चिकन गल ना जाए। ये हम थोड़ा ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, जो कि आपको भी पता है कि कैसा बनता है ढाबा में। इस तरह सब बना के उसको रख देते हैं पकने के लिए, हमने रख दिए। और आपको जितनी थिक ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से रखिए, या तो आपको थोड़ा सालन दार चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। हमको सालन नहीं चाहिए तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे अभी, फिर उसको अभी इसी तरीके से रख देंगे और थोड़ा सा जो मावा हमने लिए थे वो हम अभी डाल देंगे और उसको पकने के लिए ढक के रख देंगे आराम से। ये अपने ही रस में अच्छे से पकते रहेगा, उसको दोबारा हिलाना नहीं है। अब मैं आपको फाइनल स्टेज बताती हूँ कि हमारा ये टमाटर चिकन कैसा बन के रेडी हुआ है। गाइस हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई, अब मैं इसमें जो हमारा जो गरम मसाला है वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे, यानी 5 से 2 मिनट के लिए खाली रखेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। और मैं अभी इसमें कोथमीर ऐड करके और थोड़ा सा जो देखिए मैं थोड़ा सा धावा टच दे रही हूँ इसके अंदर, तो मैं अभी कोयला गर्म करने रखी हूँ, कोयला का भाप देखिए इसके अंदर, फिर मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ हमारा ये मुगलाई टमाटर चिकन कैसा बना है। गाइस हमारा मुगलाई टमाटर चिकन बनके रेडी हो गया है, जो कि बनाने में बहुत इजी है, जो कि झटपट बन जाता है और बहुत इजी है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप भी सेम अपने घर में सेम इसी मेथड से एक बार ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।